हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे सब लोग। मैं आज आपकी मैम रेनू मैम, ब्रेन रूट सीरीज बाय अमित पब्लिशिंग हाउस, देववाणी संस्कृत पाठ माला भाग 3, पाठ एकादश पाठ, पाठ 11, जल जीवन, यानी कि वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है। इसके विषय में जानते हैं, जल ही जीवन है, पानी ही सब कुछ होता है ना बच्चों? पानी के बिना तो जिंदगी में कुछ होता ही नहीं है, हर काम हमारा पानी से होता है। तो जानते हैं पानी के बारे में। ये देखिए, ये बच्चे हैं, ये छुट्टियों में कहीं आए हुए हैं। जानते हैं कहाँ आए हुए हैं? जला एव जीवनस्य आधारः अस्ति, जल ही जीवन का आधार है। जलेन बिना वनस्पतयः अपि शुष्यन्ति, जल के बिना पेड़ पौधे भी सूख जाते हैं। आपने देखा होगा कि अगर हम अपने पेड़ पौधों को अपने बगीचे में पानी ना दें तो वो भी क्या होने लगते हैं? जलने लगते हैं, मर जाते हैं, क्योंकि पानी उनको जरूर चाहिए, इसलिए हम पेड़ पौधों को पानी देते हैं। सुलेखा स्वभ्रात्र सह एवं मातृ पितृभ्याम सह पितृव्यस्य गृहे मुंबई नगरे अगच्छत्। सुलेखा अपने भाई के साथ और अपने माता पिता के साथ मुंबई नगर में अपने चाचा के घर गई। तत्र गत्वा तेषां सर्वाणां परिवार जनानां अतीव स्वागतम कृतम्। जब वे वहां पहुंचे तो उनका और उनके परिवार के सभी सदस्यों ने उनका बहुत स्वागत किया। जब किसी के घर जाते हैं तो स्वागत होता है, तो ये भी अपने चाचा के घर गए थे मुंबई, तो वहां इनका बहुत स्वागत हुआ। अब सुलेखा कथयति यत् वयम् तु स्वगृहे अत्यधिक जल प्रयोग है। सुलेखा ने कहा, सुलेखा क्या कहती है कि हम सब तो अपने घर में बहुत अधिक जल का प्रयोग करते हैं। भवान अत्र केन प्रकारेण जलस्य प्रयोग कुर्वन्ति, आप यहाँ पर जल का कैसे प्रयोग करते हैं? सुलेखा ने कहा, हम तो अपने घर में जल का, पानी का बहुत प्रयोग करते हैं, आप यहाँ पर कैसे प्रयोग करते हैं? सुलेखा, अहम तु हस्तौ पादौ प्रक्षालयित्वा स्वच्छं भवितुम् इच्छामि। सुलेखा ने कहा, मैं तो अपने हाथ और पैर धोकर साफ हो जाना चाहती हूँ, बिल्कुल हाथ पैरों को बिल्कुल साफ कर लेना चाहती हूँ। तदा पितृव्य कथयति, तभी चाचा जी कहते हैं, जलस्य प्रयोगम अधिकम न कुरु, जल का प्रयोग अधिक मत करो। वयम जलस्य रक्षणाय अनेकाम विद्याम अवानुमः, हम जल की रक्षा के लिए अनेक उपाय करते हैं। यथा पात्राणाम शुद्धनाय तेषां पात्राणाम जले एव निमज्जयामः। क्या बताया चाचा जी ने कि जैसे हम बर्तनों को साफ करने के लिए उनको, उन बर्तनों को जल में, पानी में डुबोकर रखते हैं, अस्मिन् विधौ अधिक जलस्य प्रयोगम न भवति, इस विधि से, इस तरीके से पानी का बहुत अधिक प्रयोग नहीं होता है। जब बर्तन साफ करते हैं, एक तो खुले नल से करते हैं, पानी बहता रहता है। वो कह रहे हैं कि हम एक साफ जल भर लेते हैं अपने किसी भी बाल्टी में या टब में, और उन बर्तनों को साफ करने के बाद उसमें रख देते हैं, इससे पानी बहुत कम लगता है। अत्र जलस्य विषये वयम् अति सावधानी वर्तते, यहाँ हम जल के विषय में, पानी के विषय में बहुत सावधानी रखते हैं। जलय अत्र अति समर्पयन्त न आगच्छति, यहाँ जल बहुत अधिक समय तक नहीं आता है। वयम् जलस्य भंडारम कुर्मे, अन्यथा वयम् आवश्यक काले जलम बिना भविष्य का भविष्याम, हमें जल का भंडार स्टोर करना चाहिए, वरना आने वाले समय में हम जल का प्रयोग नहीं कर पाएंगे और जल के बिना हमें रहना पड़ेगा। फलानामपि एकस्मिन् पात्रे कृत्वा प्रक्षालयन्ति, फलों को भी हम एक बर्तन में करके उनको धोते हैं, ठीक है। एवं वयम् जलम रक्षामः, इस प्रकार हम जल की रक्षा करते हैं। यदि अस्माकं गृहे जलम मिथ्या प्रवहति, यदि हमारे घर में जल बेकार बह रहा होता है, तदा वयम् शीघ्रं गत्वा जल यंत्रस्य विशेषज्ञम् आहूयामः, तो हम क्या करते हैं, जल्दी ही जाकर और पानी ठीक करने वाला का, यानी कि प्लम्बर को बुला लाते हैं। जैसे ही पानी बहने वाला होता है तो हम तुरंत जाकर प्लम्बर को बुला लाते हैं, क्योंकि पानी बहना ठीक नहीं है ज्यादा। पानी बहने से क्या होता है,
पानी का भी नुकसान होता है और आने वाले समय में पानी की इतनी कमी हो जाएगी कि हमें फिर पानी नहीं मिल पाएगा। भो पितृव्य अधुना अहम जलस्य महत्वम अवगच्छामि। तब सुलेखा ने कहा, चाचा जी आज मैं जल के महत्व को समझ गई हूँ। जलस्य रक्षणाय वयम सर्वे मिलित्वा रक्षा कार्य कर्तव्य। जल की रक्षा के लिए हम सबको मिलकर रक्षा करनी चाहिए। जल की जलेन बिना किंचिदपि कार्यम संपादनम न भवति। जल के बिना किसी भी कार्य का संपादन या कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है। जला एवं प्राणिनाम जीवनास्ति। जल ही मनुष्यों का जीवन है, जल ही प्राणियों का जीवन है, प्राणियों के लिए जल ही जीवन है। तो बच्चों आपने जाना कि जल का कितना महत्व है। जल के बिना हमारे जीवन में क्या है, हम बिल्कुल जी नहीं पाएंगे। और अगर हम जल का सदुपयोग अच्छे प्रकार से उसका प्रयोग नहीं करेंगे, पानी को बिना वजह बहते रहने देंगे, तो आने वाले समय में क्या होगा कि पानी हमें मिल नहीं पाएगा, फिर हम परेशान हो जाएंगे। इसलिए अभी समय रहते हुए आवश्यकता है कि हम जल का सोच समझ कर और बहुत सावधानी से प्रयोग करें। जैसे कि सुलेखा ने कहा, हम तो अपने घर में खूब पानी चलाते हैं। तो चाचा जी ने कहा, नहीं, हम अपने यहाँ बहुत सावधानी पूर्वक जल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर समय पर पानी आता है, बहुत कम समय के लिए पानी आता है, तो हमें पानी को स्टोर करना पड़ता है, उसका संग्रह करना पड़ता है, पानी को इकट्ठा करना पड़ता है, कहीं भरना पड़ता है, जिससे कि हम समय आने पर उस पानी को प्रयोग में ला सके। जैसे कि उन्होंने कहा, फलों को भी हम क्या करते हैं, फलों को भी हम एक जगह एक पानी में धोकर तब उनको निकाल लेते हैं, यानी कि नल के नीचे लगाया पानी बह रहा है, ऐसा नहीं करते हैं। ऐसे ही उन्होंने कहा, हम बर्तनों को भी क्या करते हैं, भरकर पानी उसमें साफ करने के बाद बर्तनों को उसमें डाल देते हैं, उससे पानी की वेस्टेज कम होती है, पानी कम खर्च होता है। पाठ में आए हुए कुछ शब्द और उनके अर्थ है बच्चों, उनके बारे में जानते हैं। पहला है शुष्यंती, यानी कि सूख जाते हैं। पितृव्य माने चाचा, मिथ्या बेकार होना, प्रक्षालयित्वा माने धोकर, निमज्जया में साफ करते हैं, भवगच्छामि समझता हूँ। तो इस प्रकार हमने पाठ में आए हुए बच्चों कुछ शब्द और उनके अर्थों के विषय में जाना। अब हमारा ये है अभ्यास कार्य, पाठ से संबंधित कुछ अभ्यास कार्य है उसको करते हैं। पहला हमारा अभ्यास कार्य है, प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्नों के उत्तर बच्चों आप हिंदी में भी लिख सकते हो, प्रश्न पढ़ रही हूं मैं। पहला प्रश्न है, सुलेखा कुत्र गच्छति, सुलेखा कहाँ जाती है। सुलेखा अपने माता पिता और भाई के साथ मुंबई नगर में अपने चाचा के घर जाती है। सुलेखा पितृव्यस्य गृहे मुंबई नगरे गच्छति। मुंबई नगर में जाती है अपने चाचा के घर। जना जलम कथम रक्षति, लोग जल की रक्षा कैसे करते हैं। जना सावधानी पूर्वकम जलम रक्षति, लोग सावधानी पूर्वक जल की रक्षा करते हैं। ऐसे ही नहीं है कि पानी बह रहा हो और उसको बहने दिया जाता है, सावधानी पूर्वक करते हैं। प्राणी नाम जीवनम किम अस्ति, प्राणियों का जीवन क्या है। प्राणी नाम जीवनम जलम अस्ति, प्राणियों का जीवन जल है, जल ही प्राणियों का जीवन है। जल प्राणी नाम किम कथ्यते, जल प्राणियों का क्या कहा जाता है। जल है प्राणी नाम जीवनम कथ्यते। एक्सरसाइज नंबर 2 है बच्चों हमारी, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। रिक्त स्थान भरने हम, जलेन बिना वनस्पति अपि शुष्यंती, पेड़ पौधे भी
सूख जाते हैं। जलस्य प्रयोगम अधिकम न करो, अधिक जल का प्रयोग मत करो। चाचा जी ने बोला ना ऐसे सुलेखा को कि अधिक जल का प्रयोग नहीं करो। नेक्स्ट हमारी खाली स्थान भरने में अत जलस्य विषय वयम सावधानी वर्तते, हम सावधानी बरतते हैं क्योंकि जल के विषय में जल एव प्राणिनाम जीवन अस्ति, जल ही प्राणियों का जीवन है। एक्सरसाइज नंबर 3 है बच्चों, सही उत्तर चुनकर सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। पहला है सुलेखा अगच्छत कहाँ, दिल्ली नगरे या मुंबई नगरे या लखनऊ नगरे, कहाँ गई थी सुलेखा, मुंबई नगरे। दूसरा फिर हमारा है सुलेखा जल प्रयोग है मात्रा कुर्वंती, सुलेखा जल का प्रयोग कितनी मात्रा में करती थी, अत्यधिक या न्यूनतम या अत्यल्पे, तो अत्यधिक मात्रा में करती थी। उसने बताया ना हम तो बहुत अधिक प्रयोग करते हैं जल का। नेक्स्ट है जलम मिथ्या प्रवहती वयम आहुया में, जब जल बिना वजह बहता रहता है तो हम बुला कर लाते हैं प्लम्बर को, किसको बुला कर लाते हैं, चिकित्सक शिक्षक या जल यंत्र, जल यंत्र यानी कि प्लम्बर को, नल ठीक करने वाले को तुरंत बुला कर लाते हैं, और बुला कर लाना भी चाहिए क्योंकि पानी बहना नहीं चाहिए अब बिना वजह। नेक्स्ट हमारे एक्सरसाइज नंबर 4 है बच्चों, वाक्य बनाने हैं हमें, छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे हम, जैसे जल है, जल प्राणिनाम जीवनम अस्ति, ठीक है, मुंबई, अहम मुंबई नगरे, मुंबई नगरे वसामि, मैं मुंबई नगर में रहता हूं, भंडारम मम पितृव्यस्य गृहे अन्न भंडारम अस्ति, अन्न का भंडार है मेरे चाचा जी के घर में, ऐसा इसमें नहीं है लेकिन हमने वाक्य बना दिया। आप कुछ भी बना सकते हैं वाक्य, जीवन जलम इव जीवनम, जल ही जीवन है। तो इस प्रकार हमने बच्चों इन शब्दों का वाक्य बनाए। एक्सरसाइज नंबर 5 है हमारी संधि विच्छेद करना है, इन इस शब्दों को हमें इनका विग्रह करना है, संधि विच्छेद करना है। स्वागतम सुधन आगतम पात्रणाम पात्र धन प्रणाम प्रक्षालयित्वा प्रक्षाल प्लस इत्वा प्रक्षालयित्वा। एक्सरसाइज नंबर 6 से बच्चों हिंदी में अनुवाद करना है, कुछ संस्कृत के वाक्य दिए हुए जिनका भी हमें हिंदी में अनुवाद करना है। जलेन बिना वनस्पतयः अपि शुष्यन्ति, जल के बिना पेड़ पौधे भी सूख जाते हैं। जल के बिना पेड़ पौधे भी सूख जाते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों में पानी देते रहना चाहिए नहीं तो वो सूख जाएंगे। भगवान अत्र केन प्रकारेण जलस्य प्रयोगा कुर्वन्ति, आप यहां किस प्रकार से जल का प्रयोग करते हैं, जल का प्रयोग करते हैं। अस्मिन् विधौ अधिक जलस्य प्रयोगम न भवति, इस विधि से अधिक जल का प्रयोग नहीं होता है। किस विधि से,
कि जब हम बर्तन धोते हैं तो बर्तन को पानी एक भरकर उसमें डाल देते हैं, फल साफ करते हैं तो फल को भी भरे हुए पानी में उससे उनको धोंगे, तो इससे क्या होता है पानी बहुत ज्यादा खराब नहीं होता है और अधिक जल का प्रयोग भी नहीं होता है। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि कुछ हमने अनुवाद किया, जल एव प्राणिनाम जीवनम अस्ति, जल ही प्राणियों का जीवन है, जल ही प्राणियों का जीवन है, एक्सरसाइज नंबर 7 है बच्चों हमारी, कुछ वाक्य दिए हुए हैं इनका हमें संस्कृत में अनुवाद करना है, जल ही जीवन का आधार है, जलमेव जीवनस्य जीवनस्य आधारः आधारः अस्ति, जल ही जीवन का आधार है। हम लोग तो अपने घर पर काफी पानी का प्रयोग करते हैं, वयम स्वगृहे अत्यधिक जलस्य प्रयोगम कुर्वन्ति, नेक्स्ट है फिर, यहां हम लोग जल के प्रति अत्यधिक सावधानी रखते हैं, अत्र वयम जलम प्रति अत्यधिक सावधानी वर्तते, प्राणी मात्र के लिए जल ही जीवन है, प्राणी मात्र तु जलम एव जीवन अस्ति, प्राणी मात्र नाम तो जलमयी जीवनम अस्ति। तो पाठ में आए हुए बच्चों हमने कुछ संस्कृत अनुवाद किए, ये हमारा एक्टिविटी कार्य है जो आपको अपनी होमवर्क कॉपी में करना है, और आप चाहे तो किसी शीट पर A4 शीट पर, या आप कोई फाइल तैयार कर लें उसमें, या आप चित्र देख रहे हो बच्चों, ये सभी बच्चे चित्र हैं, इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं जैसे आकाशे मेघा छत्रम छाता, वर्षंती बरसते हैं, जना लोग, धारयंती धारण करते हैं, जलम पानी, पतती माने गिरता है, वर्षा कालस्य में वर्षा काल का, और मंडूका माने मेंढक, या ये सब चित्र भी दिए हुए हैं। इस पर आपको देखकर 5 वाक्य बनाने हैं, जैसे इदम चित्रम वर्षा कालस्य अस्ति, यह चित्र वर्षा काल का है, इस तरीके से आप क्या क्या देख रहे हो इसमें, कि यहाँ कौन कौन है, क्या कर रहे हैं, कितने छाते हैं, कितने बच्चे खड़े हुए हैं यहाँ पर, कितने मेंढक हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, ये सब बातें आप अपने 5 वाक्य में यहाँ लिख सकते हो, और अपने अध्यापक और अध्यापिका को दिखाइए। ये आपका होमवर्क, आप एक्टिविटी होमवर्क में करेंगे और अपने अध्यापक को दिखाइए, तब आपको लगेगा कि अरे हम भी बना सकते हैं वाक्य, खाली मैडम ही नहीं, हम भी बना सकते हैं वाक्य। और इस प्रकार बच्चों हमने जाना पाठ के बारे में कि जल ही जीवन है, जल ही हमारा जीवन है, जल का प्रयोग बहुत सोच समझकर बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में ऐसा ना हो कि जल की कमी के कारण हमें बहुत परेशानी उठानी पड़े, क्योंकि जब भी ऐसा लगता है, जब परेशानी आने लगती है, तब हम ये सोचते हैं अरे हम ऐसा कर लेते तो, लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं कि जहां भी आप पानी बिना वजह बहता हुआ देखो नल से, तुरंत उसको ठीक कराओ या बंद कर दो। कई बार आप क्या होता है, बच्चे विद्यालय जाते हैं, वहां बच्चे नल खोल देते हैं, है ना, उस नल को तुरंत, अगर उसकी आवश्यकता नहीं है तो आप उस नल को बंद कर दो। और जैसा इन्होंने बताया कि पानी का कैसे हम इस्तेमाल करने से, प्रयोग करने से उसका कम खर्च किया जा सकता है, आप भी वैसा ही कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में बच्चों हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आभार।